फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे हर कोई सो रहा हो, एज स्लीप। बिरजू डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द विलेजर्स इन द डेड ऑफ नाइट। बिरजू किसी भी गांववासी को मध्य रात्रि में, गहरी रात में किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। ही वाज वॉन्डरिंग व्हाट टू डू, बस घूम रहा था और सोच रहा था कि क्या करूँ। व्हेन ही हर्ड ए फैमिलियर साउंड, तब उसे एक परिवार की से कुछ जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। हर्ड में सोता है सुनाई देना, और फैमिली रकम मतलब होता है जानी माने, साउंड आवाज़ सुनाई दी। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। इट सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल हट इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। तब उसे महसूस हुआ कि ये जो आवाज़ है गांव के एक कोने में, जो एक छोटी सी झोपड़ी है उससे आ रही है। हट में सोता है झोपड़ी। इट वॉज एज इफ समवन वॉज फ्राइंग समथिंग, ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ तल रहा हो, कुछ फ्राई कर रहा हो। ही वॉक्ड क्विकली टुवर्ड्स द हट, वह तुरंत उस झोपड़ी की तरफ गया। क्विकली मीन्स होता तुरंत, टुवर्ड्स वन होता तरफ, द हट झोपड़ी की तरफ तुरंत गया। इट हैड ए स्मॉल विंडो, उसमें एक छोटी सी खिड़की थी। बिरजू स्टूड ऑन हिज टॉयज एंड पीप्ड इन, जो थोड़ी ऊंचाई पर थी इसलिए बिरजू अपने जो पैर के जो अंगूठे थे, अंगूठों के बल खड़ा हो गया। एंड पीप्ड इन, और अंदर की तरफ झांका। आगे देखें, ए यंग वुमैन, एक महिला, क्लैड इन ए टेटर्ड साड़ी, जो फटी हुई साड़ी पहने थी। वॉज सिटिंग ऑन हर हंचेज इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस, वो बीचों बीच बैठी थी घर के, इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस, जहाँ पे चूल्हा जल रहा था उसके सामने। ए फ्राइंग पैन वॉज ऑन द फायर, एक फ्राइंग पैन, एक जो तवा था तलने वाला, वो आग में या चूल्हे में ऊपर चढ़ा था। टू चिल्ड्रन, दो बच्चे, ए गर्ल एज्ड 5, एक लड़की जिसकी उम्र 5 वर्ष होगी, एंड ए बॉय एज्ड 4, और एक लड़का जिसकी उम्र 4 वर्ष होगी। वर हडल इन ए कॉर्नर, एक कोने में दबके हुए बैठे थे। हडल में होता है दबके बैठना, कॉर्नर में होता है कोने में। दे वर थिन विथ देयर बोन्स स्टिकिंग आउट ऑफ देयर टॉर्न क्लॉथ्स, यहाँ पर देखें दे वर थिन, वे पतले थे, विथ देयर बोन्स, उनकी जो हड्डियाँ थी शरीर की, स्टिकिंग आउट फ्रॉम आउट ऑफ देयर टॉर्न क्लॉथ्स, टॉर्न का मतलब होता है फटे हुए कपड़ों से उनकी जो हड्डियाँ थी शरीर के, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बाहर की तरफ झांक रहे हों, स्टिकिंग आउट ऑफ देयर टॉर्न क्लॉथ्स। आगे देखें, एज बिरजू वॉच्ड, जैसे ही बिरजू ने देखा, ही फाउंड द मदर डूइंग समथिंग स्ट्रेंज, उसने देखा कि उसकी जो माँ है कुछ अलग कर रही है। स्ट्रेंज का मतलब होता है कुछ अलग करना। उसने पाया कि उसकी माँ कुछ अलग कर रही है। एवरी फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंडों में, सी वुड टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वह पानी की कुछ बूंदें लेती, एंड स्प्रिंकल ऑन द पैन, और उसको पैन तवे के ऊपर छिड़क देती। सी आल्सो केप्ट मम्बलिंग टू हर चिल्ड्रेन, वह अपने बच्चों को रिझाना चाहती थी। मम्बलिंग का मतलब होता है एक तरह से रिझाना, वास्तविक शब्द याद नहीं आ रहा है, यानी कि उनको फुसलाना ऐसा कह सकते हैं। बिरजू कुड नॉट मेक आउट व्हाट सी वाज सेइंग, बिरजू कुड नॉट मेक आउट, बिरजू को रहा नहीं गया व्हाट सी वाज सेइंग, और वह सोचने लगा कि उसे क्या कहना चाहिए। वह कुछ कह रही थी, व्हाट सी वाज सेइंग, वह कुछ कह रही थी। एज बिरजू वॉच्ड, जैसे बिरजू ने देखा, सी केप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, तब उसने पुनः इसी चीज़ को रिपीट किया, यानी कि जो पानी का छिड़कने का जो प्रोग्राम था वो बार बार वैसा रिपीट कर रही थी। क्यूरियोसिटी ओवरटुक, बिरजू की जो उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी में होता है उत्सुकता, ओवरटुक, वो बढ़ रही थी। स्टैंडिंग एट द डोर ही सैड, गेट के पास में खड़े होकर उसने कहा, देवी आई एम बिरजानंद, मैं बिरजानंद हूँ, ए डिसिपल ऑफ स्वामी अरवसु, स्वामी अरवसु का एक शिष्य। द यंग वुमेन वॉज सरप्राइज टू सी ए पर्सन इन सैफ्रॉन क्लॉथ्स,
वो युवा महिला गिरवे कपड़े में एक व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुई। सरप्राइज में सुधा आश्चर्यचकित होना। सी स्टूड अप, खड़ी हुई एंड वॉकिंग टूवर्ड्स बिरजू, और बिरजू की तरफ गई। टच हिज फीट, और उसके पैर छुए। महाराज, आई एम इंडीड फॉर्चुनेट टू हैव योर, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। इंडीड फॉर्चुनेट का मतलब होता है मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, वास्तव में सौभाग्यशाली हूँ। टू हैव योर फीट इन माई होम, ऐसा आगे होगा। तो चलिए देखते हैं। टू हैव ब्लेस्ड फीट इंटर माई हम्बल अबॉड, कहा मेरे इस छोटे से आवास में आपके जो पैर हैं वो आपके पड़े। हाउ एवर, कैसे भी, आई एम इक्वली अनफॉर्चुनेट बिकॉज आई हैव नथिंग टू गिव यू, लेकिन मैं बड़े दुर्भाग्यशाली हूँ। बिकॉज, क्योंकि अनफॉर्चुनेट मीन्स होता है दुर्भाग्यशाली, इक्वल मानना होता है इक्वली बराबर से। आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास में देने के लिए आपको कुछ नहीं है। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स, मैं आपको कुछ मिनटों से देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था। ऑल यू हैव बीन डूइंग इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन, मैं देख रहा था कि ऑल यू हैव बीन डूइंग इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन, कि तुम तवे के ऊपर पानी छिड़क रही हो। व्हाई हैव यू बीन डूइंग दैट, आप ऐसा क्यों कर रही हो। आगे देखें, देयर इज नॉट ए ग्रेन ऑफ राइस इन द हाउस, घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। माई चिल्ड्रन हैव बीन स्क्रीमिंग द होल इवनिंग फॉर फूड, मेरे बच्चे शाम से ही चिल्ला रहे हैं खाने के लिए। बाई स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन, पान तवे के ऊपर पानी छिड़क कर, आई वॉज गिविंग देम द इम्प्रेशन, मैं उन्हें एक इम्प्रेशन देना चाहती हूँ कि द फूड वॉज बींग कुक्ड, कि खाना पक रहा है। द साउंड ऑफ वाटर ऑन द पैन केप्ट देम अंडर द इल्यूशन दैट समथिंग वॉज बींग फ्राइड, साउंड ऑफ वाटर, पानी की आवाज़ को सुनकर जो तवे के ऊपर गिरता है, केप्ट देम अंडर एन इल्यूशन, उसने उन्हें इस भावना में रखता है, इल्यूशन एक उदाहरण में रखता है, दैट समथिंग वॉज बींग फ्राइड, कि कुछ पकाया जा रहा है। पुअर रेचेज, बेचारे बच्चे, दे आर टू इनोसेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूशन, बेचारे बच्चे वे इतने मासूम थे कि वे वास्तविकता और जो इल्यूशन का मतलब होता है दिखावा या एक छल कह सकते हैं, उसमें अंतर नहीं कर सकते थे। सी, देखो, विथ द होप दैट फूड इज गेटिंग रेडी, विथ द होप, इस आशा में कि खाना तैयार हो रहा है, दे हैव गॉन टू स्लीप, वे सो चुके हैं। बिरजू लुक्ड एट द टू किड्स हडल टुगेदर लाइक पुप्स, बिरजू ने उन दोनों बच्चों की तरफ देखा जो एक कोने में इकट्ठे थे, लाइक पुप्स, पुप्स का मतलब होता है पिल्ले, यानी कि जो बच्चे होते हैं कुत्तों के उनको पिल्ले कहा जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं वो जो दोनों बच्चे थे आपस में इकट्ठे चिपके हुए बैठे थे जैसे पिल्ले बैठे होते हैं। Tears welled up in Biju's eyes. Biju की आंखों से आंसू बहने लगे। Without uttering a word, बिना कोई शब्द बोले, he walked out of the hut, वह झोपड़ी से बाहर चला गया। He searched the lands of the village and finally found that he was looking for a grocery store. उसने गांव में एक तरफ से देखा and finally अंततः पाया, found what he was looking for, जिसकी वह खोज कर रहा था, एक grocery store, एक जो अनाज की दुकान थी वो उसे मिल गई। ये पसरट की दुकान भी कह सकते हैं जहाँ पे अनाज वगैरह खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे चावल दाल अनाज वगैरह। ही वर्कड ऑन द ह्यूज लॉक ऑन द फ्रंट डोर एंड विथ इन मिनट्स, उसने एक बहुत बड़ा जो ताला लगा था फ्रंट डोर में दरवाजे में उसको तुरंत ही तोड़ दिया। एंड विथ इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, हैड सक्सीडेड इट इन ओपनिंग इट, और उसे खोलने में सफल हो गया। इट सीम्स आई हैव गॉट फॉरगॉटन माई स्किल्स, उसे महसूस हुआ कि अभी भी मुझे अपनी जो कला है, स्किल्स है, मुझे चोरी करने की मैं भूला नहीं हूँ। ही मटर्ड एंड वेंट इन, वह ऐसा बड़बड़ाया और अंदर गया। ही इमर्ज्ड देन मिनट्स लेटर, वह खुशी लगभग 10 मिनट बाद कैरिंग टू सैक्स, दो बोरे उसने वहाँ से उठाए।
ही वेंट इन टू द हट, और वह झोपड़ी में गया, एंड प्रेस द सेक्स इन द वुमेन्स फीट, और उन बोरों को उस महिला के पैरों में चरणों में जाके रख दिया। दीज प्रोविजन्स, यह अनाज, प्रोविजन्स में होता है भंडार या अनाज, शुड लास्ट यू फॉर 3 months एट लीस्ट, कम से कम ये 3 माह के लिए है। ही सेड, उसने कहा, एंड वॉकड आउट बिफोर द वुमेन कुड आस्क एनी क्वेश्चंस, और उससे पहले महिला कोई सवाल पूछती वह बाहर निकल आया। When he returned, जब वह वापस गया, he found Swami Arvasu still waiting for him, उसने पाया कि स्वामी अरवसु अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे। What happened, क्या हुआ? What took you so long, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? Where is the firewood, जलाऊ लकड़ियाँ कहाँ हैं? बिरजू narrated the entire story, नरेटिव का मतलब होता है वर्णन करना। बिरजू ने इस संपूर्ण जो कहानी थी जो उसके साथ में घटित हुआ था उसका वर्णन किया। What, क्या? I cannot believe it, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। The sage jumped up, साधु चिल्लाकर बोले। His face turned red, उनका जो चेहरा था लाल पड़ गया। You committed a theft, तुम एक चोर ही रहोगे। स्वामी अरवसु follower thief, स्वामी अरवसु का जो शिष्य है वो एक चोर है। What will people say, लोग क्या कहेंगे? आगे देखें, but स्वामी the poor children, यानी कि बिरजू बार बार कह रहा था कि वो जो गरीब बच्चे थे, लेकिन उन गरीब बच्चों का, स्टॉप टॉकिंग नॉन सेंस, फालतू की बात मत करो। यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाई मेकिंग लैम एक्सक्यूजेस, तुम फालतू के बहाने बनाकर अपने जो क्रिया है उसको जस्टिफाई स्पष्ट नहीं कर सकते। ए सिन इज ए सिन, एक पाप ही होता है। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, साध्य को साधनों से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। सिन मीन्स होता है पाप। आगे देखें, दिस इज योर लास्ट डे विथ मी, यह है तुम्हारा अंतिम दिन है मेरे साथ। टुमारो मॉर्निंग आई वॉन्ट यू गो अवे, अगली सुबह हम तुमसे दूर चले जाएंगे। आई वॉन्ट यू टू गो अवे, मैं तुमको अपने से दूर कर दूंगा या दूर पाऊंगा, यानी कि मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ। आई डू नॉट एवर वॉन्ट टू सी योर सिनफुल फेस अगेन, मैं तुम्हारे इस पापी चेहरे को दोबारा से नहीं देखना चाहता। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन बिरजू ओपन्ड हिज आईज, जब बिरजू ने अपनी आंखें खोली, देयर वाज अ डेजलिंग लाइट इन द स्काई, तब उसने देखा कि आसमान में कुछ बिजली सी चमक रही थी, प्रकाश से चमक रहा था। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। द सेज एंड हिज फॉलोअर्स वर गेटिंग अप, उसके साधु एंड हिज फॉलोअर्स गेटिंग अप, जाग रहे थे। रबिंग देयर आईज, अपनी आंखों को मल रहे थे। ए ह्यूज बर्ड लाइक क्रिएचर, एक विशाल पक्षी, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, बर्ड लाइक क्रिएचर, जो एक प्राणी सा मालूम होता था, वाज डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से नीचे की तरफ उतर रहा था। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ आना, फ्रॉम द स्काई, आसमान से। इट इज ए पुष्पक विमान, यह एक पुष्पक विमान है। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाकर कहा। यस यू आर राइट, तुम सही हो। आई थिंक लॉर्ड इंद्र हैज सेंट हिज मैसेंजर टू टेक मी टू हीवन, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि भगवान इंद्र ने ये दूत भेजा है टू टेक मी टू हीवन, मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए। स्वामी अरवसी से, स्वामी अरवसी ने कहा। हिज फॉलोअर्स प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिम, उसके जो शिष्य थे उन्होंने साधु को, सेंट को, स्वामी अरवसु को प्रोस्ट्रेटेड, साष्टांग प्रणाम किया। एंड ही राइड हिज हैंड इन बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब था आशीर्वाद, और साधु ने, स्वामी अरवसु ने राइड हिज हैंड, अपने हाथों को आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ाया। टुडे माई मोमेंट ऑफ निर्वाण हैज कम, कहा आज मेरे निर्वाण का जो मोमेंट है, जो क्षण है, वो आ चुका है। फाइनली, अंततः, आई विल बी फ्रीड फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, और कहता है कि यह जो चक्र है जीवन और जन्म और मरण का, उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। आगे फ्रेंड्स देखें, डेथ, आई विल बी अटेनिंग सालवेशन, आई विल बी अटेनिंग सालवेशन, सालवेशन का मतलब होता है मोक्ष, मैंने मोक्ष प्राप्त किया है। माई एंटायर लाइफ, मेरी पूरा जीवन है। आई हैव नेवर डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ धर्म, मैं धर्म के पथ से विचलित नहीं हुआ। डेविएटेड का मीन्स होता है विचलित होना। आई हैव लिव्ड लाइक ए मॉन्क, मैं हमेशा
एक साधु की भांति रहा हूँ, संत की भांति रहा हूँ, एंड नेवर कमिटेड ए सिंगल सिन, मैंने आज तक एक भी पाप नहीं किया है, एंड दिस इज ए रिवार्ड फॉर ऑल माई नोबल डीड्स, और यह मेरे जो श्रेष्ठ कार्य हैं उन सभी का एक रिवार्ड है, एक पुरस्कार है। ए यंग मैन क्लैड इन फाइन क्लॉथ्स गॉट डाउन, एक युवा आदमी जो बहुत अच्छे कपड़े पहने था, फाइन क्लॉथ्स गॉट डाउन, नीचे उतरा फ्रॉम द सेलेस्टियल व्हीकल, वो जो आकाशीय वाहन था, आकाशीय जो यान था, सेलेस्टियल व्हीकल का मतलब होता है आकाशीय यान। आई एम ब्रह्मदत्त, मैं ब्रह्मदत्त हूँ, आई हैव बीन सेंट माई बाई लॉर्ड इंद्र, मुझे भगवान इंद्र ने, इंद्र के द्वारा भेजा गया है, ही सर, उसने कहा, आई नो मैं जानता हूँ, आई वॉज जस्ट टेलिंग माई डिसिपल्स द सेम थिंग, मैं यही अपने शिष्यों को बता रहा था। आई एम रेडी टू गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। द सेज स्टेप फॉरवर्ड, साधु ने अपने पैरों को आगे बढ़ाया। आई हैव नॉट कम टू टेक यू, ब्रह्मदत्त सेड, ब्रह्मदत्त ने कहा, मैं तुमको लेने नहीं आया हूँ, लुकिंग अराउंड, चारों तरफ को देखते हुए। नॉट कम टू टेक मी, मुझे लेने नहीं आए हो स्वामी अरवसु, स्टर्ड स्वामी अरवसु ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्वेट श्योर ही हैड नॉट हर्ड राइट, क्या तुमने ठीक से नहीं सुना। नो आई हैव कम टू टेक हिम, नहीं मैं उसको लेने आया हूँ सर, ब्रह्मदत्त पॉइंटिंग एट बिरजू, बिरजू की तरफ इशारा करते हुए, हु वाज स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर, जो एक कोने में खड़ा था। बिरजू द सेज कुड नॉट बिलीव हिज आइज, बिरजू साधु की आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। दैट थीफ, वह चोर, यस हाँ, हिज काइंड एक्ट लास्ट नाइट सरपास्ट ऑल द वर्चुअस डीड्स ऑफ योर्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका जो एक दयालुपूर्ण कार्य था जो उसने रात्रि में पिछली रात किया था, उसने तुम्हारे जितने भी वर्चुअस डीड्स हैं, जो कार्य हैं, गुणीन जो तुम्हारे काम हैं, जो अच्छे काम हैं, उन सभी को उसने हरा दिया है, यानी कि वो तुम्हारे अच्छे कामों से एक काम करके वो सरपास्ट, यानी कि आगे निकल गया है। इफ़ द एंड इज नोबल देन द मीन्स आर नॉट आल दैट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि साध्य महान हो, श्रेष्ठ हो, तो साधना का कोई महत्व नहीं होता है। इवन दो बिरजूज मीन्स वर इम्प्रॉपर, इवन दो, यद्यपि बिरजू का जो भावार्थ था वो एकदम बहुत ही सही था, हिज एंड वाज वर्चुअस, उसका जो अंत था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही गुणीन था। द सेज एंड डिसिप्लेस स्टूड स्पीचलेस, साधु और उसके जो शिष्य थे निःशब्द होकर खड़े रहे, एज बिरजू फॉलोड ब्रह्मदत्त इन टू द पुष्पक विमान, और बिरजू ब्रह्मदत्त के साथ पुष्पक विमान बैठकर चला गया। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि ये एक लेसन था और बहुत ही सिंपल इसमें वर्ड्स हैं, तीन चार ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा मीनिंग उनको कह सकते हैं, और बकाया बिल्कुल सिंपल मीनिंग्स हैं, खासकर जो 12वीं का स्टूडेंट है उसको ये मीनिंग आने चाहिए, ऐसी आशा की जाती है। इसको लिखा है रमेंद्र कुमार ने, और मेरा मानना है कि ये आपको लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।